हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लाइफ स्टार की तरफ से आने वाले न्यू फोर्स एंटी डैंड्रफ लोशन के बारे में, जो कि एक शैम्पू का भी काम करता है और साथ ही साथ एक कंडीशनर का भी काम करता है। तो जानेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल कब करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 50 ml का पैक है। इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइस है, ये आपको अराउंड 200 rupees का मिल जाएगा। देखिए, मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पे आप इसका MRP चेक कर सकते हैं, 166 rupees। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको परचेज़ किया था। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कीटोकोनाजोल, इसके अलावा इसमें जिंक पैरिथियन। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं डैंड्रफ से, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। और एक बार इसका आप इस्तेमाल करके देखें, आपकी जो डैंड्रफ की शिकायत है, जो प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, वो दूर हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको किसी तरह कोई जो है हेल्थ कंडीशन है, मतलब कि स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको जो है एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। क्योंकि जो डैंड्रफ होता है, ये अलग अलग रीज़न से आ सकता है, इसके अलग अलग कॉजेज होते हैं, तो वो पहले आप चेक करा सकते हैं। और अगर नॉर्मली जो डैंड्रफ होता है वो पाया जाता है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके डैंड्रफ को जो है पूरी तरह से साफ़ करता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो कीटोकोनाजोल मिलाया गया है, ये एक तरह की एंटी फंगल मेडिसिन होती है। इसका काम होता है फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करना। और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि फंगल इन्फेक्शन का जो सीधा सीधा रिलेशन होता है, वो स्किन के साथ में होता है। और हमारे सिर की जो त्वचा होती है, मतलब कि जो हमारा स्कैल्प होता है, इस पे अगर फंगल इन्फेक्शन आ जाए, तो उसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो कीटोकोनाजोल होता है, ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। और साथ ही साथ इससे डैंड्रफ जो है दूर होता है। इसके अलावा इसमें जो आपको जिंक पैरिथियन मिलता है, ये भी फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है और आपकी जो त्वचा है उसको हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा आपके बालों को और ज़्यादा स्मूथ बनाने का काम करता है। तो आप इसका पैक देख सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है ये देखने में। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि इस लोशन का हमें कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपने बालों को अच्छे से भिगो लेना है, और उसके बाद आपको इस लोशन को अप्लाई करना होता है अपने बालों पर अच्छी तरह से, अपने फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए, जो आपके हाथों की उंगलियों की कोर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरह से रब करना होता है, और जेंटली रब करना होता है, ताकि आपके बालों के जड़ों तक जो है ये लोशन पहुंच जाए, आपके स्कैल्प पे अच्छी तरह से जो है ये लोशन जो है पहुंच जाए। जो आपकी सिर की त्वचा होती है, उस त्वचा पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना होता है, पहुँचाना होता है, और उसके बाद आपको 3 मिनट तक उसको वैसे ही छोड़ देना होता है। और 3 मिनट छोड़ने के बाद आपको जो है अपने बालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना होता है। तो ये इसके इस्तेमाल करने का तरीका है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो डैंड्रफ है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर गायब होता नज़र आएगा। तो आपको इसका इस्तेमाल रेगुलरली करना होता है, लेकिन डेली नहीं करना होता है, नहीं तो आपके बालों में रूखापन आ सकता है। तो इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं आराम से। और ये भी याद रहे आपको कि जब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक तो आपका डैंड्रफ दूर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं इसका इस्तेमाल करना, तो कुछ टाइम के बाद जो डैंड्रफ है फिर से वापस आने लगता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और वैसे अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई इशू है जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, उनको दिखा लेना है। और उसके बाद आपको उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। जो ट्रीटमेंट होता है ये डॉक्टर द्वारा, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के मकसद के लिए बनाई गई है, ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आपको किसी भी तरह के हेल्थ केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि अगर आपको नॉर्मल डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तभी आप इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आप किसी तरह की स्किन रिलेटेड कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, एक अच्छे फिजिशियन को दिखाना है, और अपना इलाज कराना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग। बाय बाय।